الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ساڈے معاشرے کے اندر تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں بعض انگریزی کلچر پسند کرتے ہیں بعض دیسی کلچر بعض اسلامی کلچر جڑے انگریزی کلچر پسند کرتے ہیں وہ اپنے معاملات پروگرام انگریزی مہینے نال طے کرتے ہیں شادی کدھر اتنی فلانی اکتوبر کی اتنی تاریخ نو جڑے دیسی کلچر نو پسند کرتے ہیں وہ اپنے معاملات دیسی مہینے نال کرتے ہیں कदों व्याह रखे मंडे दाखे अस्सू की इन्नी तरीक नूं रखे है जिहड़े इस्लामी कल्चर नूं पसंद करते ने वह अपने मामलात इस्लामी महीनों के मुताबक रखते ने जुलहज की इन्नी तरीक नूं फलाना जलसा होएगा मुहर्रम की इन्नी तरीक नूं फला मामला होएगा अफसोस वाली गल असी है तो मुसलमान हाँ लेकिन इस्लामी तहजीब तो दूर है ही हाँ कल्चर तो भी दूर हाँ इन्नी दूर हाँ कि सानू इस्लामी महीनों का उक्का पता ही नहीं बस तीन चार महीने याद रखे हुए ने रोजे रखने होंगे ने रमजान याद कर लिया ईद करनी होंगी शवाल याद कर लिया हज करना होंगे जुलहज याद कर लिया ईद मिलादुन्नबी मनानी होंगी इतने बिल्ली बिल्ली याद कर लिया यानी सिर्फ जरूरत दल हालांकि इस्लामी महीनों के साथ इस्लामी इबादात का गहरा ताल्लुक है और मेरे नबी ने तालीम दी है पर मैं जो भी नवा चन महीने का चढ़े ना तो चन नु वेख के पढ़िया करो अल्लाहुम्मा अहिल्लहू अलैना बिल अमन वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्ला ना ये दुआ याद रही ना चन वेखना याद रहा उसका नुकसान सामने होया भी चांद रात में एक हाथ में डों दही वाला डोंगा तो दूसरे हाथ में सूट ईद वाला बंदा फड़ के तो रात में 11 बजे तक बैठा रहता है बे सूट इसी करिए कि दही जमाइए चन तो चढ़ता ही नहीं पाया फिर चन चार रात को 12:30 चढ़ता है क्योंकि वह टाइम तो चन चढ़न का होंगे नज़र आने का नहीं होंगे नज़र आने का टाइम तो यही है भी मगरब तो अद्धा घंटा घंटा बस है ये रात के 11 बजे किड़ा दिसदा चन कोई नहीं दिसदा उस टाइम चढ़ता ही है फिर वो चन चढ़ता है फिर आप उठ के भजने काश कि असी इस्लामी त्यौहार तो इस्लामी कल्चर तो दूर ना जाते तो सानू सारिया परेशानियों का सामना ना करना पैंदा साडी ड्यूटी जिथे तुहानू अशार सुनाना है और जिथे दूसरिया साड़िया ड्यूटियां गल शामिल है उत्थे साड़ी ड्यूटी ये भी है कि असी तुहानू इस्लाम जिहड़ा है ना वह भी दसीए इस गल रवायत के तहत अज मैं तुहाडे सामने बड़े इख्तसार नाल तुहानू इस्लाम के 12 महीनों का तारफ करवावांगा याद रखोगे ना माशाल्लाह अपने बच्चों नू याद कराओ इस्लामी तारीख नाल अपनी बल्कि मैं तो हजरत नूं कहांगा भी अगला जलसा जो कराओ ना अंग्रेजी तारीख नाल इस्लामी महीने की तारीख भी लिखो इनू असी नहीं फरोग देना तो किन्ना देना बल्कि अफसोस की गल असी है तो बड़े पक्के हदीस से नमाजी परहेजी हाँ सारा कुछ हाँ पर एक पार्टी अड़ती है कि वह अपने सारे प्रोग्राम इस्लामी महीने के हिसाब से सैट रख दे और कई पार्टी है तुम पता ही बाहर हाल चाहिए सानू सी कि असं आपके मामलात तय कर दे अल्लाह पाक सानू इस्लामी शार इस्लामी तारीख को समझ की तौफीक अता फरमा बाद बंदे इतराज करते रहे कि इस्लामी तारीख इस्लामी महीना औखा बड़ा है अंग्रेजी बड़ा सौखा है अच्छा जी की सौखा है अगे जी अंग्रेजी तारीख का भी पता झट तो लग जाता है किमें लग जाता है कैलेंडर ना हो तारीख का पता ही नहीं कोई बंदा कैलेंडर जानता नहीं तो उन्होंने तारीख का पता ही नहीं लगना की तारीख
देख इस्लामी तरीक का हिसाब एडा सीधा है, कोई कैलेंडर की लोड़ कोई नहीं, उतार नजर मारो चंद दस देगा भी अज कि तरीक है। एडा सौखा हिसाब है, सिर्फ ये भी सानू लोगों ने अंग्रेजा ने गलत पासे पाया है, ता असी समझने भी अंग्रेज 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 ही अंग्रेज ही बनने के चक्कर च। अल्लाह पाक सानू अंग्रेज बनने तो महफूज फरमाए। तो मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे सवेर सानू सारे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक ती नादन होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाही यौम खलक समावाति वल अर्द मिन्हा अरबातुन हुरम। फरमाया जदो तो अल्लाह पाक ने जमीन आसमान बनाया है उदो तो अल्लाह पाक ने महीनिया की गिनती बारह बनाई है बारह, और इन्हों बारह महीनिया के विचों अल्लाह पाक ने चार महीने हुरमत वाले बनाए ने। उन्हों हुरमत वाले महीनिया के विचों एक महीने का नाम मुहर्रम है। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है, और मुहर्रम का माना हुरमत वाला इज्जत वाला तादीम वाला ते तकरीम वाला। हजरत दी वकार मुहर्रम अल हराम दी फजीलत है। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने शाहुल्लाहिल मुहर्रम, मुहर्रम अल्लाह दा महीना है, अल्लाह पाक दा महीना। जदो नबी पाक ने मुहर्रम आख्या मुहर्रम की अजमत बुलंद हो गई। हजरत दी वकार इस महीने की दस तारीख नो यानी यौमे आशूरा अल्लाह के पैगंबर ने दरोदा रखिया है। नबी पाक मदीने तशरीफ लेके आए, वेख्या मदीने के यहूदी दस मुहर्रम अल हराम यानी यौमे आशूरा का रोजा रखते ने। आपने फरमाया क्यों रोजा रखते ने? वो कहते ने इस दिन अल्लाह पाक ने हजरत मूसा नूं फिरौन तो आजादी अदा की, असीं तां रोजा रखने हाँ। हजरत दी वकार सानू डुब के मरना चाहीदा है, यहूदी आजादी का खुशी मना रहा है रोजा रख के, असीं 14 अगस्त नूं आजादी की खुशी मनाने हाँ। धीआं भैणा नूं सबज कमीज़ां पवा के और जनाब सफेद रंग दियां शलवारां पहना के जनाब रुखसारा दे कलां दे पाकिस्तान दे झंडे बनवा के सिर तो जनाब दुपट्टे उतरवा के अपनी गरंटी अंदर अपनी फॉर्चूनर अंदर अपनियां धीआं भैणां नूं बटा के पूरे नारोवाल ते दफरवाल का चक्कर लगवाने हाँ। लोगों नूं बेपरदगी का मुजहरा करके विखाने हाँ। वो चन्ना की पिया करना है, आखे मैं आजादी की खुशी पिया मनाना वा, पानी मैं लैके आना वा, डुब के मर जाओ या नहर का पता मैं तेनों दसना वा, विच डुब के मर जाओ तो मुसलमान कब है? यहूदी आजादी की खुशी मनाए रोजा रख के, तुम आजादी की खुशी मनाए अपनिया धीआं भैणा नूं पूरी दुनिया नूं विखा के। कुछ ते बंदे विच शर्म होनी चाहीदी है। नबी पाक अलैहि सलाम मेरे घर तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर मक्का फतह कीता, मेरे पैगंबर नु काफरां वल्लों आजादी लभ गई, मेरे पैगंबर ने आजादी दी खुशी किवें मनाई, नबी पाक नमाज़ां पे पढ़दे ने, बैतुल्लाह दे विच शुकराने दे सजदे पे करदे ने, मेरे पैगंबर ने आजादी दी खुशी इंज मनाई, मेरे नबी और मेरे नबी दे यारां दी आजादी दी खुशी वेख के 2000 काफर कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए ने, 2000 काफर कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया है। तेरे नबी दी खुशी वेख के ते तू जिवें खुशी मनाना है, ते काफर वेख के कहंदे ने जे मुसलमान जिते हुंदे ने असीं काफर ही चंगे आ, सोचना चाहिदा है, सानू गौर करना चाहिदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, मेरे पैगंबर ने वेख्या यहूदी रोज़ा रखदे ने, फरमाया साडा हजरत मूसा नाल तुहाडे नालों ज्यादा ताल्लुक है, लिहाजा मैं भी अगे तो 10 मुहर्रम दा रोजा रखांगा, ना तुहाडी मुखालफत भी करांगा, मैं 9 दा भी रोजा रखांगा। हजरत दी वकार अल्लाह पाक दा बड़ा वड्डा करम है साडे ते, असीं अहले हदीस आ, असीं अल्लाह दे पैगंबर दीआं सुन्नतां नाल प्यार करने आ। इह जिहड़ा पिछला मुहर्रम गुजरिया है ना, 10 मुहर्रम नूं अहले हदीसां रोजे रखे अगे पिछे सादा पानी का गिलास 5 रुपये का, कोई 5 रुपये होवे ते पीवे नहीं ते भुखा मर जाए, ते अज कल अल्लाह दे नाम दी सबील चाड़ी बैठा ना, फड़ पानी पी। ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਬੀਲ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮਝਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਧਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਬੀਲ ਲਾਈ ਹੈ? ਅਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ। ਫਰਕ ਵਾਦੇ ਗਏ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮੁਹੱਰਮ ਵੀ ਤੀਂਦਾ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਰੋਂਦਾ ਰੱਖਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦੀ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ 10 ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਪਿਆਸਾ ਏ, ਕੱਲ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਸੈਨੀ ਪਿਆਸਾ। ਖੁਦ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਧਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸਬੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਬੀਰ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਜ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਐਵੇਂ ਦੂਰ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਦਾ, ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹ, ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਸਾਹਬੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਅੱਲਾ 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 ਸਿੱਦੀਕ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਹੈਦਰ
ਹਜ਼ਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਬਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ हर साल मेरी तकरीर पहली हो करेगी ते मैं कह लगा सा जे मैनू सद्या करनगे ना ते मेरी इन्हां दी तकरीर इन्नी देर होया करेगी जिन्नी देर तक मग नहीं मुकदा जो मुकिया करेगा फिर मेरी बारी आ करेगी है अल्लाह अल्लाह तब अल्लाह के फजल ना असी ते रावी दे रहण वाले लोग हां मैं ते चुक ली सी प्लेट के आपा ते एक मिनट च पका देनी सी अल्लाह पाक गदीब साहब नु सेहत वाली जिंदगी दे अल्लाह 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 मैं की कह रिया सिद्दीक ते फारूक साडी अखियां दे तारे ने हैदर उस्मान सानू जान तो भी प्यारे ने मुआविया दे शान नु दोवें में ना घटा मुआविया दे शान नु दोवें में ना घटा कसम खुदा दी सबसे राजी है खुदा अली दियां बच्चियां दी बड़ी उच्ची शान है इना दियो शान विच रब दा कुरान पढ़ ल कुरान साडे नेड़े नेड़े आ कुरान साडे नेड़े नेड़े आ कसम खुदा दी सबसे राजी है खुदा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरत दी वकार मुहर्रम अल हराम दी अकम तारीख नो सैयदना हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नो दी शहादत हुई है दस मुकर्रम अल कराम नो सैयदना हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला दी शहादत हुई है और याद रखिए इसी महीने मुहर्रम दे अंदर हाफिज अब्दुल्ला शुगुरी रहमतुल्लाह अलैह दी वफात भी माहे मुहर्रम अंदर हुई है मुहर्रम तो बाद अगला महीना केड़ा आया भला अगला महीना जबरा मुनवर कल उन्हें नहीं तुहानू दसना तुहाडे कोलो पुछना है तुहाडे कोलो पुछना है लुकमा नहीं देना अगला महीना सफर जाए सफर का माना की है सफर की स्वाद थले देर ना जो माना बन जाएगा सिफर सिफर माना खाली सफर का माना होता है खाली वेला असल अंदर गल है अरब के लोग माए सफर में मुख्तलिफ इलाकों में निकल जा करते तिजारत के सिलसिले में जिहाद के सिलसिले में जंगों के सिलसिले में हर बंदा अपने घर को छोड़कर निकल जाता घर खाली हो जाते इसलिए उन्होंने इसका नाम सफर रख दिया अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा सफर के कबाले कोई बीमारी मुतद्दी नहीं होती और फरमा जरा उल्लू जानवर है जानवर मनहूस नहीं हुंदा वला सफरा सफर का महीना भी मनहूस नहीं हुंदा एवें ना इन्हां गल्लां विच प्या करो काली बिल्ली मनहूस है फलाना बंदा मनहूस है ना 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 मनहूस है जिहड़ा नमाज नहीं पढ़दा मनहूस है जिहड़ा बदकारी करदा है मनहूस है जिहड़ा मां बाप नूं तंग करदा है मनहूस है जिहड़ा शिरक ते बिदअत करदा है अल्लाह दीआं बणाईआं चीज़ां ते मखलूकां ते महीने मनहूस नहीं हुंदे वापस आ कहना यार छड़ दे बंदा चंगा है उन्हें छड़ता वह कह लगा जी मैंने बादशाह ने बुलाओ उन्हें बुलाया बादशाह साहब मैंने क्यों फड़िया मैं तेन फड़िया सुबह सुबह मत्थे लगा मैं उस शिकार ही नहीं होना
पर शिकार से गिरण भी ज्यादा है तो बंदा चंगा है दांत विच। उन्हें आखा जी निकी जी गल मैं आखा जी आखो उन्हें आ जी सुबह मम्मी घरों निकलिया तो तुम भी घरों निकले मैं ताले मत्थे लगा तुम मेरे मत्थे लगे तो शिकार है गिरण भी बहुत है मैनू तो मेरे बाला की रोटी भी ना लगी मेरे वास्ते सब तो वड्डा तू मनु गुस्से सब तो वड्डा मैं तू है तो बादशाह पर मेरे लिए तो सब तो वड्डा मैं मरमा च ब्याह नहीं करीदा मौली साहब वर्मा ने मैं फिर गल तोरी मैं बाबा मरमा च ब्याह होए ते की हुंदा उन्हें आ नहीं पुत्र आहुण बरात जिहड़ी ना ये टोर घर नहीं पहुंचणी ते राह च किते वज वज जाणी ते कहिंदे ने बाबा मैं आखा जी अल्लाह कीता करम तोर चली गई फिर कहिंदा फिर ना इहनां दा नबाह नहीं होणा तलाकां हो जाणी मौली साहब कहिंदे जे तलाकां भी ना होणा ते नबाह भी हो गए ते फिर आखिर फिर इहनां दे घर औलाद नहीं होणी ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਹੋ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਹੜਾ ਝਾਲਤ ਚ ਕੱਢੀ ਭਾਬੀ ਮਾਏ ਸਫ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ हाँ मीठा मीठा महीना आ गया है अल्लाह 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 अगला महीना रबीउल अव्वल आ गया। रबी के दो माने हैं रबी का एक माना होता है किसी चीज का रुकना ठहरना और रबी का दूसरा माना होता है फूटना बहार का पैदा होना। रबीउल अव्वल का माना पहली बहार इस महीने के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद साबित हुई है लेकिन इस अंदर इख्तलाफ है तीन गल्ला दिन अंदर बिठा लो मेरे पैगंबर दी विलादत दे महीने अंदर भी इख्तलाफ है मेरे पैगंबर दी विलादत बाद साबित दी तारीख अंदर भी इख्तलाफ है हाल बता मेरे पैगंबर दी विलादत बाद शहादत दे दिन विच कोई इख्तलाफ नहीं आप सोमवार वाले दिन पैदा होए ने ते ऐद की खुशी केड़े दिन मनाई गई है जुमे वाले दिन है ऐद की खुशी जुमे वाले दिन मनाई गई है। हाँ यारो मेरे नबी के सोमवार वाले दिन पैदा होए ने ते मेरिया सानू आख्या है भाभीआ तुसीं चलियां ही नहीं लाइयां असीं तुहानूं किन्ने आख्या नहीं लाइयां इधर वेखो मनवर काले ने किड्डी वड्डी चंडी लाई है इधर वेखो मनवर काले साहब ने किड्डी वड्डी चंडी लाई इधर वेखो मैं चंडी लाई है इधर वेखो मेरे मोहतरम पा शफीक साहब चंडी लाई है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा इंज ना आखिया करे मुहब्बत नहीं कर दे प्यार नहीं कर दे असी ते कमली वाले नाल बड़ा प्यार करने आ आप दी अजमत दे तराने पढ़दे फिरने आ। एक हिंदू शायर बड़ी प्यारी गल करदा है कहिंदा शीतल कोमल बोल तुम्हारे ऐ बता के राज दुलारे चेहरा युन का चांद पुनम का है चेहरा युन का चांद पुनम का गए सुन के बाप दरकार उनके चरण की धूल मिले तो उनके चरण की धूल मिले तो नैनन गजरा डारों प्यारे काल अल्लाह खुदाला वसुहा वल्लैल इदा
ਦਾ ਸਜਾ ਨਾ ਬਦਾ ਕਰ ਅਬਦੂ ਕਬਮਾ ਕਰਾ ਵਲਲ ਆਖਿਰਤੁ ਖੈਰੁਲ ਲਕ ਮਿਨਲ ਹੂਲਾ ਵਲ ਸੂਫ ਯੁਤੀ ਕਰ ਅਬਦੂ ਕਬ ਤਰਦਾ ਅਲਮ ਯਜਿਬ ਕਾ ਯਤੀ ਮਨ ਫਾਵਾ ਵਬਜਦ ਕਬਾਲਨ ਫਹਦਾ ਵਬਜਦ ਕਾ ਇਲਨ ਭਾਵਨਾ ਵਅੰਦਲ ਯਤੀਮ ਫਲਾ ਤਕਹਰ ਵਅੰਮ ਸਾਇਲ ਫਲਾ ਤਨਗਰ ਵਅੰਨਾ ਬਿਨਿਅਮਤਿ ਰੱਬਿਕਾ ਫਹਦਿਸ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਇਰਰਹਮਾਨ ਇਰਰਹੀਮ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਰਹਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਰਤੇ ਰਹੇਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਰਬੀਉ ਸਾਨੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵ ਅੰਗਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਬੀਉ ਲੱਭਲ ਤੋਂ ਰਬੀਉ ਸਾਨੀ ਰਬੀਉ ਸਾਨੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜਮਾਤ ਯੂ ਲੱਭਲ ਯਾ ਜਮਾਤਾ ਉਲਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵ ਅੰਗਾਰ ਜਮਾਤਾ ਜਾਮਦ ਸੇ ਹੈ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਜਮ ਜਾਣਾ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਮੇਂ ਅਰਬ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਮੇਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਜਮ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਰਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਰਤਾ इसीलिए उन्होंने इसका नाम जमादुल उला रख दिया जमादा उला या जमादुल अकबर रख देता अल्लाह के दीवाकार इस महीने के अंदर दो बड़े वाक्य पेश आए ने केड़े केड़े पहला वाक्य इस महीने अंदर ये पेश आया है हजरत कादिर मुद्दीन शहीद जेड़े ने ना वरना दी शहादत भी इस महीने अंदर हुई है और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी वफात भी इस महीने दी अंदर हुई है तुम्हें खत्मे नबुव्वत दे शहबाद ने तुम्हें खत्मे नबुव्वत दे शाहीन ने वो दोनों खत्मे नबुव्वत के शहबाद और शहीन थे और हम अल्लाह के फजल से उनके रूहानी बेटे हैं वो हमारे असलाफ थे वो हमारे बड़े थे जिन्होंने खत्मे नबुव्वत के लिए दिन रात मेहनत की थी जिन्होंने मिर्ज़ाइयों को लोहे के चने चुमाए थे और जिन्होंने मिर्ज़ा कादियानी के तबूत को पहला कील पिया ने हदीस ने ठोका था आखिरी कील पिया ने हदीस ने ठोका था आज अल्लाह के फजल से हम भी जिंदा और जावेद हैं हम खत्मे नबुव्वत का पहरा दे रहे हैं इसके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेब ना पहले किया है ना इंता करेंगे खत्मे नबुव्वत पर कोई समझौता नहीं होगा जो खत्मे नबुव्वत के साथ छेड़छाड़ करेगा हम उसे ऐसा छेड़ेंगे ऐसा छाड़ेंगे कि वो नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह जब भी हम की जमीन पर एक पियाले हदीस का बच्चा जिंदा रहेगा मरकजी जमीयत अहले हदीस के साए तले हम खत्मे नबुव्वत का झंडा लहरा के छोड़ेंगे खत्मे नबुव्वत के कब्तारों को मुल्क से भगा के छोड़ेंगे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा बदला से दी वकार खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी ला नबी अबादी ला नबी अबादी दो वाके बड़े पेश आए ने हजरत दीवकार बाबरी मस्जिद शहीद होई गए इस महीने दी अंदर अल्लाह पाक को दुआ करो ना जितना भी मुसलमान दिया मस्जिद शहीद हुई ने अल्लाह पाक उन्होंने शहीद करने वाले का बेड़ा गर्क फरमा देवे ते जिहड़ियां साडियां मस्जिदां काफरां दे कब्जे विच ने अजकल फलस्तीनी बेचारे बड़े परेशान ने
अजकल फलस्तीनियां ते बड़ा जुलम हुंदा पिया है। हजरत अलामा शहीद रहिमहुल्लाह फरमा करदे सन, मैं खाना काबा बैतुल्लाह दे मताफ विच बैठा आया सां, मैं एक फलस्तीनी नूं रोंदिया वेखिया जिहदा घर वी उजड़ गया है ते हर चीज उहदी तबाह हो गई है ना, ओह रो रिहा ते अखां चों आंसू बहा रिहा है। अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर दुआ पिया करदा है ते कहिंदा मौला ए करीमा पाकिस्तान नूं आबाद रखे, बंदा पाकिस्तान नूं शाद रखे। हजरत अल्लामा फरमांदे ने, मैं बड़ा हैरान होया ते मैं आखा फलस्तीनिया वो तेरे बच्चे सारे जनाब शहीद हो गए ने, तेरे मुल्क ते भूगोले पे बरसते ने, ते तेरा जनाब आपका घर तबाह हो गया है ते तू दुआवां पाकिस्तान लई मंगदा पिया है। देखो ने आख्या मैं दुआवां तां मंगदा पिया वा जदों तक पाकिस्तान सलामत है, बैतुल मकदस नूं कुछ नहीं हो सकदा, उदों तक बैतुल मकदस वल कुछ निगाह उठा के नहीं वेख सकदा। पता नहीं हूं फलस्तीनी हो जिंदा है या फौत हो गया है, जे फौत हो गया तो अल्लाह की मगफरत फरमाए, ते जे जिंदा है तेनू पता लग गया होएगा। मैं ते एवें दुआवां पाकिस्तान वास्ते करदा सां, इत्थे सारे धनिया पी के सुते पए ने, इन्हां नूं ते अपने रौड़िया तो फुरसत कोई नहीं, इन्हां नूं कदों एहसास है किसे दा। मैं दुआ करना वा अल्लाह पाक बैतुल मकदस नूं आजादी दे देवे, सानू गैरत दे देवे, बैतुल मकदस नूं आजादी मिल जाए, सानू गैरत मिल जाए। हजरत दी वकार माहे जमात उस्मानी के अंदर हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी वफात भी इस महीने अंदर हुई है ना। अपने उलमा नूं याद रखिया करो, अपने उलमा दीआं कुर्बानियां याद रखिया करो, जिन्हां तुहाडे खातर सफर कर कर करके है ना। तीन चार दिन पहले दी गल है ते मैं ड्राइवर नूं आख्या गड्डी लैके आ, तो बाहर गेट अगे गड्डी लैके आ ना, ते मेरा बड़ा बेटा अब्दुल्ला मुहीस ते ओह मैनूं कहण लगा बाबा जी बाहर आपका घर आ गया है। उहने नहीं आख्या बाहर गड्डी आ गई, बाबा बाहर आपका घर आ गया है। मैं पुत्तर गल तेरी सच्ची है, साडा घर है, साडा घर है, गड्डी साडा घर है, हैं इह सब सब गड्डी साडी दूजी फुटी है, हैं एक दो काम नहीं रोटियां नहीं पकानी, सालन नहीं पकानी है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो, और हमारा अल्लाह जानता है ज्यादातर वक्त गाड़ियों में सफर में गुजरता है, और ये सफर अल्लाह की रजा के लिए है, अल्लाह को राजी करने के लिए। साडे वर्गा नूं कढ लिया करो गाना फेसबुक दे ते जो कहना कह लिया करो, ते जिहड़े वाला मां बेचारे दीन सुनांदिया सुनांदिया बुढ़े हो गए ना, दाड़ियां चिट्टियां हो गईयां, अल्लाह दा वास्ता उन्हां नूं खुश ना किया कर, उन्हां दा अल्लाह पाक भी याद कर दे। तो तुसी फेसबुक ते उन्हां नूं गालां कढ दे, फेसबुक ते जे जलसे ते कदे दे नहीं विचारा आ सकया ते जो मुंह च आया कह दिता। अल्लाह पाक इंज दे जिहड़े फेसबुकी ने ना अल्लाह नूं हदायत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा ते दी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्हां बातां दा जिक्र पिया करना जमात दी उसानी क्या ते अगे किहड़ा महीना तूं नहीं दसणा, अगे किहड़ा महीना आ गया फिर आ भगवानियां ने नहीं सी दसा, अगे आ गया रजब। अल्लाह अल्लाह तवज्जो है, ये इससे भी इल्म बढ़ता है, पूछने से भी इल्म में इजाफा होता है, ये अल्लाह के नबी का तरीका है। नबी पाक सहाबा इकराम से पूछा करते थे, आपने पूछा था मेरे सहाबियों बताओ तो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते सूख भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरते। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात के दीवानगार, उस अगला महीना क्या रजब रजब का माना जनाब तकरीम है, तादीम है। जिवें चार महीने हुरमत ने, हुरमत वाले महीनों में एक महीना रजब भी है। ये अंदर जनाब कतल जायज नहीं, लड़ाई जायज नहीं, किसी नूं मारना जायज नहीं, ते अपने आप नूं भी मारना। समझ आई कि नहीं आई? आई नहीं आई तो आ जाएगी कुछ महीने बाद। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदराब जिदरी बकार, रजब हुरमत वाला महीना है। इसकी 22 तारीख नो सजदना कदरत मीर मुआविया 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 मुआ कुफर पर हावी है अमीर मुआविया।
ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ सोने नाम नु सलाम है बाबिया सोने नाम नु सलाम है बाबिया सोना 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 नाम है बाबिया सोने नाम नु सलाम है बाबिया रजब की 22 तारीख को हजरत अमीरे मुआविया कातबे वही खान मोमिनीन कातबे वही मेरे पैगंबर के सहाबी मेरे पैगंबर के ब्रदर इन ला उम्मे हबीबा के प्यारे भाई अबू सुफयान रजी अल्लाह तआला के बेटे हजरत अमीरे मुआविया जिन्होंने 64 लाख मरबा पीर पर हुक्मरानी की जिन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया पर हुक्मरानी की जिन्होंने कुफर को लोहे के चने चबवाए थे उनकी उनकी वफात हुई 22 रजब को ते जिन्ना के ढिड विच पीड़े जिन्ना नु हजरत अमीरे मुआविया नाल भुगत है जेडे हजरत अमीरे मुआविया हसद करदे ने ते हसद करके सड़े 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 सड़ 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 के सड़ी जांदे ने ते मरी जांदे ने ओ हजरत अमीरे मुआविया दी वफात दी खुशी करके ते रजब दे कुंडियां दा नाम दिंदे ने ते साडे सीधे सीधे बंदे विच शामिल हो जांदे ने लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब सुन्नी सुन्नी मुसलमान बेदार हो चुका है अब पैगंबर के हर सहाबी की गुस्ताखी करने वाले का कभी साथ नहीं दिया जाएगा और इंशाल्लाह इस प्लेटफार्म पर जो बंदी बरेलविया ने कबीस जमा हो चुके हैं और अल्लाह के फजल और करम से आपके लिए यह खुशखबरी और फखर की बात है सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम हाफिजा खुल्ला हो ताला वो अजीम इंसान है कि जिसने पेश किया और वो बिल पास हो चुका है इंशाल्लाह जल्द ही दस्तखत उस पर सदर के हो जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर सहाबा अहले बैत आले रसूल अजवाद मुतहरात की इज्जत और इफ्फत का झंडा लहराएगा और जो इनकी गुस्ताखी करेगा इंशाल्लाह जेल में भी जाएगा सदा भी नारे तकबीर अल्लाह के हक अहले हदीस जिंदाबाद दीन अहले हदीस जिंदाबाद अब्दुल करीम साहब जिंदाबाद मी अला मर्कजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान आवाज अब्दुल करीम साहब जिंदाबाद और मुझे शाह साहब का जुमला बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं मर्कजी वाले की कीता ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦੀ ਨਗਰ ਆਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਸੇ ਉਹਨੇ ਵਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅਗਲਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੁਤਈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਲੇਕਿਨ ਆ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਆਪਦੇ ਖੋਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਰ ਸੋਹਣੇ ਸਜੇ ਪੈ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗੰਦੇ ਕਸਮਹਿੜੇ ਜੇ ਪੈ ਨੇ ਉਤਰੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਖੋਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਥੱਲੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ मरकजी जमीयत अहले हदीस वो जमात है जिसका कोई बॉर्डर नहीं है कोई हद नहीं है ये पूरी दुनिया की आल डबल जमात है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से ही हमेशा काम करती रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेरी वकार रजब गुजरे आगे जड़ा आ गया शबरात अलविदा आ गया
अल्लाह 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 शबरात तरह महीना आ गया हजरात ते लीवक कार रजब दी 15 तारीख आगे दी शबे बरात ए बरकतां वाली रात ए शबे बरात ए इहदे अंदर बड़े 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 काम हुंदे ने लिहाजा ए रात मनानी है मनाओ के मनानी है ठा 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 रात ते मनी बरकतां वाली रात ए रहमतां वाली रात ए हैं शबे बरात ए अल्लाह अल्लाह ते असी दसने रौड़ा की है जो जनाब शबे शबे बरात की फजाइल में जो रवायात पेश की जाती हैं जितनी सही हैं वो सारी लैलतुल कदर की हैं और लैलतुल कदर रमजानुल मुबारक की आखिरी अशरे में है हजरात दीवकार नबी पाक ने नफली रोजे सब तो ज्यादा माए शाबान विच रखे ने शाबान गया ते के कड़ा गया रमजान रमजान की फजीलत रमजान जो आएगा ना उदो टाइम लिया जी इश्तिहार छपाया जी इफ्तारी कराया जी फिर तुम दसांगे रमजान की जान जवाब ते रमजान तो अगे लंघ जाने अगला महीना आ गया शवाल रमजान का शाबान का माने टुकड़े टुकड़े शाबान का माने क्या है टुकड़े अल्लाह इस महीने के अंदर अरब लोग काफलों की शक्ल में निकल जाते दूर दराज के इलाकों में कोई इधर गया कोई इधर गया कोई इधर गया सारे रब के लोग टुकड़े टुकड़े बखरे बखरे हो जाते ताए दा नाम शाबान रखे रमजान रमज से गए रमज माना गर्मी गर्मी वाला महीना इस महीने के अंदर वफात हो इस महीने के अंदर खतीबे शिया जनाबे कारी अब्दुल हफीज साहब फैजलाबादी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने वफात दी इस महीने अंदर हुई है और कुर्बान जावा मतलब ते कारी साहब बड़ी ज्यादा माशादियत पर बयान करया कर देता अल्लाह पाक ने सआदत दी है मां ऐशा भी सत्रह रमजान में वफात पाई है हजरत ते कारी अब्दुल हफीज साहब ने भी सत्रह रमजान में वफात पाई है अल्लाह उच्ची अजमत है अम्मी ऐशा दे उच्ची अजमत है अम्मी ऐशा दे जिड़ी हर मोमिन दी मां दी से उच्ची अजमत है अम्मी ऐशा दे अल्लाह 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 माह रमजान अंदर सैयदना हजरत के रिजल मुर्तजा रजी अल्लाह अब्दा दी शहादत हुई है अल्लाह रमजान गुजरिया तके शबाल आ गया शवाल का माना मस्त होना अरब की गर्मी की वजह तो ऊंट मस्त होने लग जाते इस बात को ना नाम शवाल रख दिता हजरात दी वकार शवाल साडे ईद की खुशी लैके आता है शवाल के छे रोजियां की तालीम मेरे नबी ने दी है शवाल तो अगे जिलकाता आ गया जिलकाता का माना बैठने वाला अरब के लोग इस महीने में वापस अपने घरों में आकर रेस्ट करते इसलिए उन्होंने उसका नाम जिलकाता रख दिया ये भी हुरमत वाला महीना है अगिया गजल हज्जा जिल हज्जा दा माना हाथ वाला महीना इस अंदर हाथ जो कीता जांदा है ताए दा नाम जिल हज्जा रखी है इते पहले दसम दिना दी अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर कदम खादी है फरमाया बल फजर वाला याल नाशर वाला याल नाशर अल्लाह अल्लाह इस अंदर हाथ कीता जांदा है इस दुआ नाल अपनी गुफ्तगू नु खत्म करने आ अगला रमजान गुजरे ते जिल जावे अल्लाह पा सारे नु हाज करा देवे दुआ कर साल है मेरे के मैं मौला ते कर जावा मेरे दिल दी ख्वाहिश है मैं हाज का
पैदा करियावा। खालके कायनात दा कुरान है फरमाया औजु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम इन्ना इद्दत अश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना शहरन फी किताबिल्लाहि يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم تقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.